भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आयोजित धम्म सेवक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में दूसरे दिन उपासक उपासिकाओं को सही दिशा निर्देश देने के लिए विभिन्न जिलों से भंतों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय बौद्ध भिक्खु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद महातेरा ने आगरा के अम्बेडकर अनुयायियों को लताड़ते हुए कहा कि चंदे के नाम पर दुकान चलाना बंद कर सच्चे अम्बेडकरवादी बनने की कोशिश करें। बाबा साहब के नाम पर अम्बेडकरवादी बनने का झूठा नाटक बंद करना होगा। बाबा साहब के नाम से अलग अलग संगठन चलाने वाले और अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वालों की संख्या ना के बराबर देख कर भदंत आनंद खास आहत नजर आए और चेतावनी देते हुए कहा कि बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने और भारत को बुद्धमय करने के लिए ईमानदारी से अम्बेडकरवादी बनना होगा। देखो, मैं एक स्पष्ट जो बात है मेरी वो ये है कि जो कार्यक्रम होने चाहिए उस पर मानसिक रूप से ईमानदारी से जो कार्यक्रम होना चाहिए वरना वो होकर के औपचारिकता के तौर पर अपने अपने बैनर का लोग प्रदर्शन करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि आज के कार्यक्रम में प्राय देखा होगा आपने कि जितनी संख्या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बाहर से आए हुए लोगों की है, जहाँ ये जाकर के अपने कार्यक्रम करते हैं, उनको सेटलाइज करके आगरा में ये शो करना चाहते हैं कि आगरा में आओ, बाबा साहब का जहाँ बुद्ध विहार है और वो जो है बाबा साहब ने स्थापित किया 1856 को, तो लोग आए। लेकिन आगरा के जो निष्ठावान अम्बेडकराइट है या जो लोग चंद लोग जो है हर जगह फ्रंट पर दिखाई देते हैं, उन लोगों को यदि मैं देखता हूँ तो मद्देनजर इस बात को मैं कह सकता हूँ कि जितने लोग बाहर से आए हैं उतनी संख्या में अम्बेडकराइट विचारधारा के लोग आगरा जनपद के क्षेत्र से या आगरा के शहरी क्षेत्र से लोगों का जवाब ना मुझे दिखाई नहीं दिया। इससे ये लगता है कि बाबा साहब के जय जयकार के गीत गाना मात्र एक छलावा है। मैं ये कह सकता हूँ कि उनके नाम पर समाज को मिसगाइड करके अपने स्वार्थ की सिद्धि पूर्ति करना है, ऐसा मैं मानता हूँ। कई जगह इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, आज 18 मार्च है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप जो कहना चाहते हैं मैं उसी पे आ रहा हूँ। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब का आगमन यहाँ हुआ। अब बाहर की कोई संस्था आकर के आगरा में एक अलग से कार्यक्रम करते हैं और ये कहते हैं इसलिए कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं हम बड़े स्तर पर कि बाबा साहब आगरा में 18 मार्च 1956 को उन्होंने बुद्ध विहार की स्थापना की, तो जो लोग वहाँ आ रहे हैं भाग ले रहे हैं, क्या उन्होंने पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाठ को देखा है या उन्होंने इसका अवलोकन किया है या उन्होंने कभी इस बुद्ध विहार के बारे में सोचा है या जो इसके आयोजक है जो वो कार्यक्रम कर रहे हैं कभी उन्होंने प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों से आकर ये संपर्क किया है कि हम आपके यहाँ पर अपना ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप हमको अनुमति प्रदान करो। तो मैं ये कह सकता हूँ अलग अलग खेमे में बाबा साहब के नाम पर कार्यक्रम आयोजित करना ये सिर्फ दिखावा ही नहीं धोखा है जो समाज को दिया जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी संस्था है बात प्रदर्शन कर रही है ईमानदारी से, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। ये माना जाए कि जो जितने भी अम्बेडकराइट्स हैं वो समाज को धोखा दे रहे हैं। देखिए, मैंने एक बात कही थी वहाँ, आप चले आए मेरे ख्याल में, मैंने ये कहा कि चक्की पाठ के वो लोग महान हैं, अभिनंदनी हैं जिन्होंने बाबा साहब को यहाँ लाया, उससे ज़्यादा अभिनंदनी वो लोग हैं जो उनकी संतान है। लेकिन उनकी संतान का ये कर्तव्य है कि बाबा साहब की जो धरोहर है जिसकी बाबा साहब ने स्थापना की, क्या उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है, क्या कोई उसका विकास हुआ है, क्या उसमें उन्होंने कोई योगदान दिया है? यदि नहीं है तो जिन लोगों ने बाबा साहब को लाया वो तो सम्मानी है, लेकिन उनके ये पुत्र जो उसकी संतान है जो बाबा साहब के उस विचारधारा को उस कृति को यानी सही माने में स्वरूप प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो उनका ही अपमान होगा, बेइज्जती होगी तो उन्हीं की होगी। जो देश भर से लोग आए हैं वो ये जान लेंगे कि आगरा के लोग केवल बाबा साहब के नाम पे लोग धोखा देते हैं, लेकिन जिस बुद्ध विहार की स्थापना
बाबा साहब ने की, जब उस बिहार के जीर्णोद्धार में चक्की पाट के लोगों का योगदान नहीं है, बल्कि उससे अलग हट करके अम्बेडकर संस्थान बना करके उसके नाम पर लोगों से धन संग्रह करके अलग से कार्यक्रम करना और निवास आदि करना और वह हाट लगवाना, मैं समझता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों की हत्या करना है, जो कभी भी उनको माफ नहीं करेगा। साथ ही धम्म सेवक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए भदंत करुणाकर ने देश के भंतों को सुधर जाने की नसीहत दे डाली। साथ ही सेवानिवृत्त होकर भंते बनने वालों से कहा कि अपने बच्चों को बुद्धि की शरण में लाओ, यहाँ बुझे दीपक की नहीं जलते दीपक की आवश्यकता है। भाजपा सरकार को चेताते हुए कहा कि भारत लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन और बुद्धिस्टों को संविधान समान अधिकार सम्मान के साथ जीने की स्वतंत्रता देता है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना गैर संवैधानिक है, ईवीएम से चुनाव करा कर देख लो, देश की 140 करोड़ जनता भाजपा सरकार को बनवास भेज देगी। और आज से 50 साल पहले मैं और काम करता हूँ। आज राष्ट्रीय अधिवेशन में आया है, धम्म सेवक संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है आगरा में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अधिवेशन है ये, किस तरह की जागरूकता आप लोग दे रहे हैं? देखिए, सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर संस्थाएं 29 लाख से ज्यादा पूरे देश में संस्थाएं, 1.5 लाख के से ज्यादा उत्तर प्रदेश में, लेकिन अधिकतर संस्थाएं बहुत कम संस्थाएं हैं जो वास्तव में अम्बेडकर मिशन को लेकर चल रही हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा तो अच्छा काम कर रही है, लोगों को जगाने का काम कर रही है, लेकिन अधिकतर संस्थाएं जो हैं वो केवल मौसमी संस्थाएं, अम्बेडकर जयंती आई तो मना ली, वो जयंती आई तो मना ली, कोई और प्रोग्राम आया तो कर लिया, लेकिन कंटिन्यूस समाज में जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जो विषमता है, समाज में जो जुल्म अत्याचार है, समाज में जो अंधविश्वास है, उसके लिए बहुत कम संस्थाएं। आपने बहुतों को भी, बंदे को भी शिक्षा दी, कुछ आपने संदेश दिया, क्या है बंदों में कमियां किस तरह की देखने को मिली? देखो, मैं बंदे लोगों का बहुत समर्थक हूँ, लेकिन मैं इस बात का विरोध करता हूँ, ज्यादा वृद्ध हो गए हैं, रिटायर हो गए वो लोग, बहुत वो अपने नाती को, पोते को, लड़के को, इससे क्या होता है, जिंदगी भर तुमने बच्चे पाले, जिंदगी भर अपनी नौकरी अपने घर दी, जिंदगी भर की पेंशन भी दे रहे हो, तो बाद में इधर आ गए, एक पार्ट टाइम जॉब भी किया, पेंशन भी ले रहे हो और समाज का दान भी ले रहे हो, तो दान समाज के काम आए तो कोई बात नहीं है, किसी और बच्चे को पढ़ा रहे, लेकिन वो दान वान सब अपने घर दे देते हैं, ये है मेरा। क्या शिक्षा देना चाहते हैं समाज को, जिस तरह से बहुतों की कहीं ना कहीं देखने को मिलने के, जैसे प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो हम ये कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग, जैसे जापान में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, बर्मा में, अपने बच्चे को धर्म के लिए तैयार करते हो, दान देते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म उम्र दराज लोगों का धर्म नहीं है, ये धर्म नौजवान युवाओं के लिए है, जब वो सीखेंगे। बौद्ध धर्म कोई पूजा पाठ का धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म मानव सेवा का धर्म है, सेवा के लिए शक्ति चाहिए, सेवा के लिए एनर्जी चाहिए, सेवा के लिए समर्पण चाहिए, सेवा के लिए त्याग चाहिए, सेवा के लिए सत्ता चाहिए, वो तो है नहीं, तो पहले वो अपने बच्चों को, लेकिन मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, बिहार में सब बुड्ढे बुड्ढे बनते हो गए, और बुड्ढे जो है वो केवल इसलिए नहीं हुए, वो केवल दान लेने के लिए, जीवन लेने के लिए, फल लेने के लिए, साबुन लेने के लिए, टूथपेस्ट लेने के लिए, शेविंग का सामान लेने के लिए, दवाई लेने के लिए, इलाज कराने के लिए। बाबा साहब ने कहा था कि बौद्ध की ओर जाओ, बौद्ध धर्म अपनाया, क्या लग रहा है बाबा साहब के शिक्षा पर जो जा रहे हैं, बात को मान रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कहीं मूर्ति पूजा भी हो रही है तो बाबा साहब को ही मान रहे हैं। ये समाज हजारों साल का इसका अपनी संस्कार है, वो एक दिन में नहीं बदलते, धीरे धीरे, पहले यहाँ इतने बौद्ध नहीं थे, इतने कार्यक्रम नहीं होते थे, कहीं आज इंडिया में अम्बेडकर जयंती भी बनती है तो बगैर बौद्ध धर्म के वो अधूरे हैं। कोई भी कार्यक्रम सामाजिक होता है, कोई भी
बहुजन समाज का कार्यक्रम होता है। तब आपको दिख रहा है कि बौद्ध धर्म ऐसा नहीं है, बौद्ध धर्म दिन प्रतिदिन यदि दुनिया में सबसे ज्यादा अपना रहे लोग तो बौद्ध धर्म को अपना रहे। ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, थाईलैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यहाँ तक रूस तक हमारे लोग मानेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र मानना चाहिए। देखो ये हिंदू राष्ट्र भारत के संविधान में कहीं नहीं है, इसमें भारत है, इंडिया है। और हिंदू राष्ट्र बना कैसे लेंगे? ये देश कोई केवल हिंदुओं का ही नहीं है, धर्म निरपेक्षता के अनुसार ये देश सेकुलरिज्म है, और सेकुलरिज्म ये देश मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है, जैनों का भी है, बौद्धों का भी है, पारसियों का भी है, और ये देश ओबीसी का भी है, ये देश एससी और एसटी का राजवासियों का है। अरे ये हिंदू राष्ट्र बना कैसे लोगे? और वैसे तो तुमने हिंदू राष्ट्र ही बना लिया। कार्यपालिका पे तुम्हारा कब्जा, न्यायपालिका पे तुम्हारा कब्जा, विधायिका पे तुम्हारा कब्जा, पत्रकारिता पे तुम्हारा कब्जा। अरे और क्या बनाओगे? सब तो बना लिया तुमने, और इससे आगे का ये बनाओगे कि सूत्रों के पीछे झाड़ू और आगे हाड़ी हो? ये तो किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। 2024 पार की बात करके कह रहे हैं हम देश को ऐसा है, ईवीएम जब तक है वो 400 भी ले जाएंगे, 500 भी ले जाएंगे। एक बार ईवीएम को हटा लो फिर देखिएगा तुम 40 भी ले जाओगे। हिंदू राज बनने से कैसे रोका जाएगा फिर? वो नहीं रुकेगा, उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ जब तक आदमी सड़क पर नहीं आएगा, आंदोलित नहीं होगा, संवैधानिक तरीके से विरोध नहीं करेगा, तोड़फोड़ से काम नहीं चलेगा, आग लगाने से काम नहीं चलेगा, तो हम अपने अधिकारों के लिए फाइट करेंगे, तब होगा। केवल एक दो पार्टी बोल रही है, बाकी पार्टियां चुपचाप है, राहुल गांधी चुपचाप है, अखिलेश चुपचाप है, छोटे मोटे कारण चुपचाप है, भाजपा तो बोलेगी, शिवसेना चुपचाप है, किसान चुपचाप है, जवान चुपचाप है। इसका मायावती का नाम नहीं लिया? मायावती जी चुपचाप नहीं है, वो बोल रही है, उन्होंने कई बार बोला है ईवीएम के द्वारा गड़बड़ होती है, मायावती नहीं।